मामा वीरेंद्र राजभर ने अपने भांजी जो 17 साल की है उसकी गला काट के हत्या कर दी। मामा की बात नहीं मान रही थी भांजी, फिर हुआ ऐसा कि पहुंच गई फोर्स। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नैठी गांव में शुक्रवार शाम एक सगे मामा ने अपनी ही 17 वर्षीय भांजी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। वह भी इसलिए कि भांजी मामा के विरोधी के लड़के से शादी करना चाहती थी। वारदात के बाद भाग रहे मामा को ग्रामीणों ने दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नैठी गाँव निवासी खुशी पुत्री स्वर्गीय वेद प्रकाश राजभर कक्षा 9 की छात्रा थी। शुक्रवार शाम वह अपने घर थी। खुशी का मामा वीरेंद्र राजभर निवासी आजमगढ़ शुक्रवार दोपहर भांजी के घर आया था। किसी बात को लेकर मामा अपनी भांजी से नाराज था और उसे डांट फटकार लगा रहा था, जिसका खुशी विरोध भी कर रही थी। इसी दौरान वीरेंद्र आक्रोशित हो उठा और धारदार हथियार से भांजी को पकड़कर गला रेत दिया। मौके पर ही खुशी की मौत हो गई। इसके बाद हत्यारोपी मामा मौके से भाग निकला और गांव के पास से गुजरी तमसा नदी को नाव से पार कर भागने लगा, लेकिन लोगों ने वीरेंद्र को दबोच लिया, मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं युवती की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की जानकारी होते ही मुबारकपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। खुशी दो बहन और एक भाई में सबसे बड़ी थी। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हत्यारोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मामा के विरोधी के लड़के से लड़की शादी करने की जिद कर रही थी। मामा के साथ जाने पर नहीं मानी तो मामा ने धारदार हथियार से गला रेत कर भांजी की हत्या कर दी। और क्या कुछ कहा सुनिए। आज शाम लगभग 6 बजे ग्राम नैटी थाना मुबारकपुर में मामा वीरेंद्र राजभर ने अपनी भांजी जो 17 साल की है उसकी गला काट के हत्या कर दी। मामा अजमतगढ़ का रहने वाला है, वह इसके पड़ोसी से वहाँ झगड़ा चलता है। इसकी भांजी उन्हीं के लड़के से शादी करने की जिद कर रही थी, जिसको लेके मामा नाराज था और उसको समझाने का प्रयास कर रहा था। वो लड़की नहीं मानी और इसी चीज़ को लेकर मामा ने लड़की की हत्या कर दी। इससे पूर्व भी पड़ोसी का लड़का लड़की को भगा कर ले गया था, जिसमें जीएनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 464/23 धारा 363 366 का कायम था। वह इसके विरुद्ध चार्जशीट भेजी गई थी। मामा की गिरफ्तारी कर ली गई है। आला कत्ल चाकू बरामद कर लिया गया है। शीघ्र ही मामा को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। वह शीघ्र ही 10 दिवस के भीतर इसकी चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी।